पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए चिंता में रहते हैं, उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, और अक्सर बच्चों के साथ ये परेशानी सबसे ज़्यादा लगी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि हम जिस तरह बच्चों को ढालते हैं, बच्चे उसी तरह ढल जाते हैं। यदि हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते तो वो अक्सर बिगड़ जाते हैं। ऐसे में उनका दिमाग भी शार्प नहीं हो पाता। यदि हम अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दें और उन्हें नई नई चीज़ें टाइम के साथ सिखाते रहें तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास कई गुना अच्छा हो जाता है। आजकल की जनरेशन मोबाइल में ही लगी रहती है, जिसकी वजह से उनके दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। इस पर घर वाले भी ध्यान नहीं देते। अगर छोटा बच्चा खाना नहीं खाता तो आजकल के पेरेंट्स बच्चों के सामने फ़ोन चालू कर रख देते हैं, जिससे उनकी फ़ोन चलते हुए खाने की आदत पड़ जाती है। इसका असर कहीं ना कहीं उनके दिमाग पर भी पड़ रहा है। हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं जिससे आप अपने बच्चों का दिमाग शार्प रख सकते हैं। स्टडी के मुताबिक बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूर रखना चाहिए, इसलिए क्योंकि यदि उन्हें इसकी आदत लग जाती है तो उनके दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से बाद में बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बजाय दूसरी चीज़ों में व्यस्त रखें ताकि उनके मस्तिष्क का विकास हो सके। दोपहर में खाना खाने के बाद बच्चों को करीब एक घंटे की नींद लेने से मेमोरी अच्छी बनी रहती है। दिमाग को मजबूत बनाने और सीखने के लिए दोपहर की नींद बहुत ज़रूरी होती है। जो महिलाएं अपने नवजात बच्चे को बहुत प्यार देती हैं और उनके साथ अच्छा स्वभाव रखती है तो उन बच्चों का दिमाग तेज़ होता है। दरअसल ऐसे बच्चों के दिमाग में हिप्पोकैम्पस क्षेत्र में ज़्यादा नर्व कोशिकाएँ बनती हैं, जिससे बच्चे का दिमाग तेज़ होता है। बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ होता है। यदि हम बचपन से ही उन्हें शब्दों का सही उच्चारण और शब्दों का खेल सिखाएं तो वो जल्द ही सीख जाते हैं, साथ ही उनका दिमाग इससे और भी ज़्यादा शार्प हो जाता है। दरअसल आप बच्चों को शब्दों के माध्यम से गाना और कविता पाठ भी सिखा सकते हैं। बच्चों के साथ खेलते समय आप उन्हें एक अच्छा सा टंग ट्विस्टर सही तरीके से बोलने को कह सकते हैं। इससे बच्चों का दिमागी विकास होने के साथ उनकी एकाग्रता भी बढ़ती है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.